नमस्कार, वीकेबी न्यूज के दोपहर की खबरों में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा कार्यकर्ता मिलावा के दौरान एक बड़ा वाक्या आया सामने, तंगों के आरोपियों का किया गया सत्कार। बेमौसम बारिश से टमाटर के बड़े भाव, भविष्य में 100 रुपए प्रति किलो या इससे अधिक तक जा सकते हैं टमाटर के भाव। और नशे में हुए विवाद में दिया गया हत्या को अंजाम, नागपुर पुलिस आगे की जांच में जुटी। अब खबरें विस्तार से। अमरावती में भाजपा कार्यकर्ता मेलावा के दौरान एक बड़ा वाक्या सामने आया, जिसमें अमरावती दंगों के आरोपियों का स्टेज पर बुलवाकर सत्कार किया गया। अमरावती जिले के परतवाड़ा के एक हॉल में कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई थी। एक सार्वजनिक समारोह में झंडा निकालने के ऊपर हुए दंगों के आरोपियों का सत्कार किया गया। अचलपुर दंगा मामले में भाजपा के नगर अध्यक्ष अभय मथाने को गिरफ्तार कर उन पर गुनाह दाखिल किए गए थे। इतना ही नहीं, बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे पर ही अगला चुनाव लड़ने की चर्चा पर भी सदन में चर्चा हुई। जनसभा में जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी, नगर अध्यक्ष अभय मथाने, पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रवीण तायडे, प्रताप अभ्यंकर, महिला नगर अध्यक्ष नयना जोशी समेत कई अन्य नेता मौजूद थे। वर्तमान समय हिंदुओं के लिए खतरनाक है, कई लोगों पर बिना आरोप के मुकदमा चलाया जा रहा है, हम जैसे को तैसा जवाब देंगे। राज्य मंत्री बच्चू कड़ू कई सालों से विधायक रहे हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष, हालांकि अचलपुर का विकास रुका हुआ है और अचलपुर बिखर रहा है, ऐसी टिप्पणी भाजपा जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी इन्होंने की। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को दवाओं का मुफ्त वितरण करने की मुहिम शुरू की गई है। इस अभियान के चलते आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वयं सेवकों के माध्यम से गोलियां खिलाई जाएंगी। इसके अलावा ग्रामीण कामठी में 18 पर्यवेक्षक कार्यरत रहेंगे। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से अभियान का संचालन कामठी शहर के उपजिला अस्पताल, सिविल अस्पताल के स्टाफ तथा ग्रामीण के प्राथमिक केंद्र गुमथला, गुमटी व भूगांव के स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किया जाएगा। इस अभियान के तहत शहर में पात्र व्यक्तियों को वास्तव में 176 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों के माध्यम से गोलियां दी जाएगी। अभियान को अंजाम देने के लिए 14 पर्यवेक्षक काम करेंगे, साथ ही 178 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों के माध्यम से गोलियां खिलाई जाएगी। इसके अलावा ग्रामीण कामठी में 18 पर्यवेक्षक कार्यरत रहेंगे। तालुका के स्वास्थ्य अधिकारी संजय माने ने लाभार्थियों को इस अभियान का लाभ उठाने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय कीटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत हत्ती रोग दूरीकरण सार्वत्रिक औषध उपचार मोहीम ही दिनांक 25 मे ते 5 जून 2022 पर्यंत आपल्या कामठी तालुक्यामध्ये राबविण्यात येणार आहे। या मोहिमेमध्ये हत्ती रोगाचे जे औषधीच्या हत्ती रोगांच्या ज्या औषधीचं वाटप आरोग्य कर्मचारी जे घरोघरी जाऊन करणार आहे, तर येथे जे पात्र लाभार्थी आहे म्हणजे 2 वर्षावरचे सर्व लाभार्थी आणि त्यामधले गरोदर माता, 1 महिन्यापर्यंत स्तनदा माता, तसेच तुमचे गंभीर आजारी रुग्ण इत्यादी बघून सर्वांना हे औषधं सेवन करायचं आहे। तर मी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून सर्वांना मी आवाहन करतो की या मोहिमेदरम्यान आरोग्य कर्मचारी जे आपल्या घरी येतील त्यांना आपण सहकार्य करावे आणि ह्या गोळ्या आपण काहीतरी खाऊन किंवा पोटामध्ये जेवण किंवा नाश्ता करून ह्या गोळ्या सेवन कराव्या आणि हत्ती रोगाचा समूळ नायनाट करण्यासाठी आपण
वीकेबी न्यूज के लिए कामठी से नीतिन राविकर की रिपोर्ट। समृद्धि महामार्ग के कार्य के चलते किसानों के खेत में जाने के लिए बनाए गए रास्ते और महामार्ग के नीचे से जाने वाले अंडरपास इतने छोटे हैं कि वहां से बैलगाड़ियों का जाना असंभव है। इसीलिए किसानों को आधा किलोमीटर घूमकर अपने अपने खेतों में जाना पड़ता है। इसी बात की शिकायत के चलते आज शिवसेना आमदार संजय रायमुलकर इनके नेतृत्व में किसानों का समृद्धि महामार्ग के कार्य के विरोध में महकर के समृद्धि महामार्ग के कार्यालय के सामने भूख हड़ताल शुरू की गई। समृद्धि महामार्ग के चल रहे कार्य के कारण पीढ़ियों से किसानों के जलापूर्ति मार्ग को पूरी तरह से बदल दिया है। खेतों तक पहुंचने का मार्ग और महामार्ग के नीचे से निकाले गए अंडरपास बहुत छोटे हैं, जहां से बैलगाड़ियां जाना भी मुश्किल है, जिसकी वजह से किसानों को अपने ही खेत में जाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज शिवसेना विधायक संजय रायमुलकर के नेतृत्व में किसानों ने समृद्धि हाईवे पर काम के विरोध में महकर स्थित समृद्धि हाईवे कार्यालय के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। समृद्धि हाईवे पर काम के कारण लोनार तालुका के महकर में लगभग 100 किलोमीटर की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है। किसानों के लिए तत्काल मरम्मत, पालकी मार्गों, सड़कों की तत्काल मरम्मत के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया गया है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि शिवसेना के विधायक इस आंदोलन में क्या भूमिका निभाएंगे, क्योंकि यह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जाने जाने वाले समृद्धि राजमार्ग पर काम के खिलाफ है। सर्वप्रथम मी वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने होत असलेल्या समृद्धि महामार्गाचं समर्थन करतोय। एकीकडे या प्रशासनातील अधिकारी आणि त्या ठिकाणचे कॉन्ट्रॅक्टर यांनी जे काही या ठिकाणी समृद्धी मार्ग करत असताना ज्या काही समस्या निर्माण केल्या त्या समस्येच्या विरोधात माझं या ठिकाणी उपोषण आहे। एकीकडे त्यांना शेतकऱ्याच्या शेतात जाण्यायेण्याचे रस्ते बंद केले, त्यांनी पर्यायी रस्ते द्यावेत, शेतातील नाले नदी नाल्या यांचे प्रवाह बदलले, पर्यायाने शेताचं नुकसान होतं, ते नाले व्यवस्थित करून देण्याची यांनी या ठिकाणी काम करावं। त्याच्यानंतर समृद्धी महामार्गाच्या हेवी वाहनाने जे काही आमच्या जिल्हा परिषदेचे BWT चे जे काही रस्ते खराब झालेत ते रस्ते तात्काळ यांनी दुरुस्त करून द्यावे, एवढ्या 3 समस्या घेऊन मी या ठिकाणी उपोषणाला बसलेलो आहे। आणि ते जर लवकरात लवकर त्यांनी मार्ग लावले नाहीत तर पर्यायानं मी भविष्यामध्ये शिवसेनेच्या वतीने या ठिकाणी तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, याची जबाबदारी प्रशासनातील सर्व अधिकाऱ्यावर या ठिकाणी राहील। माझं नाव अशोक तुकाराम मानवतकर, राहणार डोणगाव। मी त्या डोणगावचा मूळ रहिवासी असून आमच्या डोंगावातून शेतातकडे जाण्याचे जे काही पानंद रस्ते होते त्या ठिकाणचे पूर्ण अंडरपास जे होते ते बंद असून त्या ठिकाणून आम्हाला 100 ते 150 मीटरपर्यंत अंतरून दूर जाण्यासाठी शेतरस्ते आहेत। तर त्या ठिकाणी जी गॅसची पाईपलाईन या समृद्धी महामार्गाच्या शेजारून चालली त्याच्यामुळे एवढं खोदकाम झालं आणि काळी माती त्या ठिकाणी निर्माण झाल्यामुळं आजच 8 दिवसानंतर पाऊस पडला तर आम्ही शेतात जाऊन आमच्या शेताची पेरणी करायची किंवा आमची शेती पडीत ठेवायची, हा रस्त्याचा आमचा गंभीर प्रश्न आज या ठिकाणी निर्माण झाला। म्हणून मी आमच्या डोणगाव येथील रहिवाशामार्फत आमच्या भागातील आमच्या मतदारसंघाचे जे लाडके आमदार रायमुलकर साहेब यांनी या ठिकाणी जे उपोषण या ठिकाणी मांडलं त्या डोणगावच्या वतीनं पूर्ण शेतकरी आम्ही या आमरण उपोषणामध्ये सहभागी आहो। आणि हे सहभागी या ठिकाणी असण्याचं कारण की आमचा आजच त्या ठिकाणी रस्त्यात शेतात जाण्याचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। अचानक हुई बारिश और हवाओं के कारण टमाटर की किमतों में तेजी आई है। ज़्यादातर जगहों पर टमाटर को नुकसान पहुंचाया है। वर्तमान में टमाटर की कीमत 50 से 60 रुपए प्रति किलो है और भविष्य में ये 100 रुपए प्रति किलो या इससे अधिक तक जा सकती है। इस स्थिति को देखते हुए आने वाले समय में टमाटर के दामों में और इजाफा होगा। वर्तमान में टमाटर का आयात मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात से किया जा रहा है। मार्केट में टमाटर 50 से 60 रुपए है, सुपर मॉल 65 रुपए है। वाढण्याचं कारण अवकाळी पावसामुळे माल कमी येतोय, माल सडल्या निघतोय त्यामुळे, आणि सगळं झाडं पडून गेली त्यामुळे, आणि प्रवासाचा खर्च जास्त आहे, ट्रान्सपोर्टेशनचा चार्ज जास्त आहे। अजून वाढू शकतो? हो, वाढू शकतो, कारण की माल शॉर्ट पडणार। सध्या FMC मध्ये कुठून कुठून टोमॅटो येतोय? MP, गुजरात त्या साईडने येतो आणि ट्रान्सपोर्ट चार्ज जास्त पडतोय, ते डिझेल दर वाढल्यामुळे। डिझेल सध्या टमाटोचे वेट कधी कमी पडणार, कधीपर्यंत टोमॅटोचे रेट कमी लागेल? खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।
अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। सभी का फिर से स्वागत है। सोलापुर के उत्तर तहसील कार्यालय में डीजल बिक्री और डीलरशिप की जानकारी देने के लिए नासिक के डीजल कंपनी के संचालक संदीप जैन सोलापुर पहुंचे। इस समय उन्होंने इस डीजल संबंधित जानकारी दी। सोलापुर में राशन की दुकानों में जल्द ही ग्राहकों को लाइट डीजल ऑयल मिलेगा। इस डीजल पर भारी वाहन, खेती में इस्तेमाल होने वाले वाहन, ट्रैकर, डंपर इत्यादि भारी वाहन और खेती का डीजल पंप भी इस लाइट डीजल पर चलेगा। इस डीजल की कीमत नियमित डीजल से 10 रुपए कम होगी। सोलापुर के उत्तर तहसील कार्यालय में नासिक की डीजल कंपनी के संचालक संदीप जैन, इन्होंने यह जानकारी दी और टैंकर में डीजल डालकर प्रत्यक्षक भी कर दिखाया। निकिता बायो फ्यूल ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड नासिक, संचालक संदीप जैन। आज मी सोलापुर येथे स्वस्त धान्य दुकानदार यांना डीलरशिप देण्यासाठी लाईट डिझेल ऑइल चार डीलरशिपसाठी सोलापूरमध्ये आलो। त्यांना प्रात्यक्षिक दाखवलं, हे बायोडिझेल नसून हे लाईट डिझेल आहे। हे कोणत्या कोणत्या गाडीसाठी चालतं? याचा वापर MIDC शेतकीय वाहनांसाठी केला जातो। यामध्ये GCB, डंपर, ट्रॅक्टर, शेतीपंप, जनरेटर यासाठी याचा उपयोग होतो। बाहेरच्या डिझेलपेक्षा ह्या दरामध्ये काही 10 रुपयांनी फरक पडतो। कस्टमरला 10 रुपयांनी स्वस्त आहे, रेशन दुकानदाराला 4 रुपये 10 पैसे यामागे कमिशन मिळणार आहे। रेशन दुकानदारालाच का दिलं गेलं, कारण रेशन दुकानदाराचं राहणीमान व आर्थिक स्तर उंचवण्यासाठी ही योजना आपण रेशन दुकानदारासाठी आणलेली आहे। या इंधनामुळं गाडीला काही अडचण किंवा मेंटेनन्स वगैरे? मेंटेनन्सही नाही किंवा कुठल्याही प्रकारचं ॲव्हरेजमध्ये फरक नाही। यामध्ये हे लाईट डिझेल आहे, हे बायो डिझेल नाही आहे, ही सर्वात महत्त्वाची नोंद आपण घ्यावी। कामठे में भारतीय जनता पार्टी ने OBC आरक्षण की मांग को लेकर तहसील कार्यालय में मोर्चा निकाला गया। इस वक्त भाजपा अध्यक्ष संजय कनौजिया, राजेश खंडेलवाल, उज्जवल रायबोल, योगेश गैधाने, उमेश राडके, लाल सिंह यादव, राजेश देशमुख, गोपाल सिरिया, प्रमोद वर्णम, मंगेश यादव, बंटी पिल्ले और अन्य पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। OBC आरक्षण पर अगर राज्य सरकार ने जहां जल्द से जल्द कोई फैसला नहीं लिया तो तीव्र आंदोलन का इशारा BJP अध्यक्ष संजय कनौजिया ने किया है। आज हम सरकार को ये जिताना चाहते हैं कि अगर से हमारे को आज डिपुटेशन के माध्यम से आज ज्ञापन दे रहे, ज्ञापन के माध्यम से हमारी अगर योजना OBC को हक नहीं मिला तो एक बड़े रूप में जन आंदोलन की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक आंदोलन की तैयारी हमारे नेताओं के माध्यम से तैयारी की जा रही है। हमारी OBC के जो आरक्षण है, राजनीतिक आरक्षण है, जिस प्रकार से निरस्त किया गया और ये महाराष्ट्र सरकार ने ये इसको अनदेखा किया,
इसके अनदेखा करने के कारण ही कोर्ट से इसका निरस्त किया गया। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द जो आने वाले चुनाव में सभी ओबीसी समाज को न्याय मिले, ऐसा हमारा आज इसके माध्यम से हमारा अगर से ये जल्दी नहीं हुआ तो बड़े रूप में हम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से एक बड़ा आंदोलन के रूप में हम लोग ये करेंगे। बीकेबी न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। नागपुर में दिन ब दिन हत्याओं की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। नागपुर जरीपटका पुलिस स्टेशन अंतर्गत बेजनबाग परिसर में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। कुछ दिन पूर्व शराब के नशे में तिलक चौहान नामक मजदूर और मिस्त्री में वाद विवाद हो गया। आज फिर से बेजनबाग परिसर में दोनों में विवाद हो गया। आरोपी ने मजदूर के सर पर लकड़ी से हमला किया जिससे मजदूर जख्मी हो गया। मजदूर को अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच कर रही है। वजाहत मिर्जा विधान परिषद के विधायक है और यवतमाल जिलाध्यक्ष का पद संभालते हैं, जबकि महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष स्टडी बोर्ड गवर्नमेंट लीगल कॉलेज यवतमाल सदस्य अल्पसंख्यक सभी पद है, जबकि अब महाराष्ट्र राज्य कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष का पद भी उन्हें दिया गया है। यवतमाल जिले में कांग्रेस की स्थिति पहले से ही बहुत खराब है, ऐसे में कांग्रेस को लोगों से टूटते संपर्क को बढ़ाने के लिए नए कार्यक्रम चलाने की जरूरत है। अगर एक ही व्यक्ति को 6 पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है नवोदित कार्यकर्ताओं को मौका दिया बिना, तो क्या कांग्रेस के अच्छे दिन होंगे? ऐसे कई सवाल कांग्रेस धड़े की मौजूदगी में पूछे जा रहे हैं। हाल ही में उदयपुर में कांग्रेस ने नई ऊर्जा के लिए नवसंकल्प शिविर लगाया और सर्वसम्मति से एक व्यक्ति एक पद एक परिवार एक टिकट पर निर्णय लिया। हालांकि यवतमाल में केवल एक व्यक्ति के पास विधायक, राज्य स्तरीय वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड, वसंतराव नाइक शासकीय मेडिकल कॉलेज यवतमाल, सदस्य अध्ययन समूह, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अलग शैक्षिक नीति तैयार करने के साथ है, जिससे कांग्रेस नेताओं में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। एक कार्यकर्ता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गलत संदेश भेजकर कुछ नेताओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। वीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजीत महेंद्र की रिपोर्ट। इस वर्ष में नागपुर में एमएलए कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। युवा नेता संजय वर्मा ने खेल के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। समाज की भलाई के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने नागपुर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए अधिक मैच आयोजित करने का सुझाव दिया। इस वर्ष एमएलए कप क्रिकेट टूर्नामेंट में 150 टीमें भाग लेने आई थी, लेकिन समय की कमी के कारण उनमें से केवल 35 ही इस साल टूर्नामेंट में भाग ले सके। नागपुर एमएलए कप क्रिकेट टूर्नामेंट समाप्त हुआ। इस अवसर पर बोलते हुए सत्यजीत तांबे ने कहा कि महालक्ष्मी फाउंडेशन कॉलेज जीवन में सामाजिक गतिविधियों के लिए युवाओं द्वारा बनाई गई एक संस्था है। आज नई पीढ़ी संगठन को कुशलता से संचालित कर रही है। हालांकि विरंगुला ही नहीं बल्कि एकता की भावना भी बनी है। विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग खेल में एक टीम के रूप में खेल रहे हैं। इस मायने में समाज को आज की जरूरत है। महालक्ष्मी संस्था समाज में एकता बनाने के लिए काम कर रही है, ऐसा उन्होंने कहा। महालक्ष्मी फाउंडेशन ने लोगों के लाभ के लिए बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं, चाहे वह जरूरतमंदों की मदद करना हो, शिक्षा हो या खेल। महालक्ष्मी फाउंडेशन ने एक उल्लेखनीय काम किया है, लेकिन अब संगठन को नई पीढ़ी के युवाओं को सौंप दिया गया है। युवाओं ने सफलतापूर्वक एमएलए कप का आयोजन किया है और अपनी योग्यता साबित की है। मला वाटते कोणतेही आयोजन करायचं असलं की आयोजकाला आपले संपूर्ण काम सोडून ज्या आयोजनाच्या मागे आपण लागलो आहो त्यामध्ये पूर्ण वेळ आणि सगळं तन मन धन द्यावं लागतं आणि अशा वेळेस आयोजकाचा जर आयोजनाप्रती आणि त्याच्या जो टीम असली टीमवर्क असली तेच आयोजन सक्सेस होते आणि मला वाटतं की महालक्ष्मी फाउंडेशनची ही आमची नवीन टीम आहे यांनी खूप चांगल्या प्रकारे या क्रिकेटचं टूर्नामेंटचं आयोजन केलं, कारण की अपेक्षेच्या बाहेर म्हणजे मला तर पहिले वाटलं की हे कसे करणार, कारण क्रिकेटमध्ये नेहमी भांडणं होतात हे मी पाहिलेलं आहे, परंतु कुठलंही भांडण मैदानावर झालं नाही आणि शेवटसुद्धा सुरळीत झाला म्हणून एकदम चांगलं आयोजन आमच्या टीमने केलं आहे। महालक्ष्मी फाउंडेशनचे सर्व युवा कार्यकर्ता आहेत यांना मी शुभेच्छा देतो आणि येणाऱ्या दिवसांमध्ये या क्रिकेटच्या खेळासोबतच महालक्ष्मी फाउंडेशनचं जे मूळ उद्दिष्ट आहे की समाजातील लोकांची मदत करायची, मग ती कोणत्या स्तरावर जाऊन करायची यासाठी सुद्धा आपण सक्रिय राहावं वर्षभर आणि क्रिकेटच्या खोळा खेळासोबतच धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन आणि सामाजिक कार्यक्रम
गरजूंना मदत करणं, जसं करोनामध्ये या टीमनी चांगलं काम केलं होतं तेव्हापासूनच यांची चुणूक दिसली होती की करोनाच्या काळामध्ये महालक्ष्मी फाउंडेशनतर्फे स्वर्गीय राजीवजी गांधी यांच्या पुण्यतिथीला महालक्ष्मी थालीचं वितरण केलं आणि जवळपास 75,000 लोकांना 11 दिवसांमध्ये महालक्ष्मी थाली या युवकांनी वाटली आणि चांगल्या पद्धतीची थाली त्यांच्या वस्त्यांमध्ये जाऊन ज्यांना गरज होती अशांना दिली आणि तेव्हापासूनच वाटत होतं की ही टीम एक चांगलं काम करेल आणि या युवकांचा उत्साह नागपूरच्या सामाजिक समतोलासाठी चांगला राहील. नागपूर सर्वधर्म समभावाचं प्रतीक शहर आहे आणि या या शहरातील जो आपला सर्वधर्म समभाव आहे तो ठेवण्यासाठी ही टीम काम करेल यांना मी शुभेच्छा देतो. महालक्ष्मी फाउंडेशनतर्फे जवळजवळ 9-10 दिवस हे जे क्रिकेटचं आयोजन करण्यात आलं आणि ते यशस्वीरित्या केलं त्याबद्दल मी फाउंडेशन आणि विकासभाऊ केतन ठाकरे या सर्व लोकांचं त्यांच्या सहकाऱ्यांचं मी अभिनंदन करतो. आणि एक चांगली ॲक्टिव्हिटीज ज्यासाठी युवकांमध्ये मोठं आकर्षण आहे ती ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे क्रिकेटचा खेळ इतक्या यशस्वीरित्या त्यांनी पूर्ण केला, पार पाडल्या आणि ते अभिनंदनीय गोष्ट आहे. आता आपण पाहतो की आय पी एलच्या माध्यमातून संपूर्ण देशामध्ये क्रिकेटचा ज्वर आहे आणि आत्ता म्हणजे जवळजवळ 2.5 महिने तो खेळ चालू होता आणि आता 29-30 तारखेला त्याची सांगता होणार आहे. पण तो क्रिकेटचा खेळ किती पॉप्युलर आहे आणि दररोज लोक नियमानी रात्री 7:30 ते 11:30 हा खेळ पाहतात. सर्व लोकांचं त्याच्याकडे लक्ष आहे आणि अशा रीतीनं क्रिकेटनी घरोघरामध्ये त्या क्रिकेटची लोकप्रियता वाढवलेली आहे आणि अशा रीतीनं जो लोकांना आवडतो त्या खेळाचं आयोजन करायचं म्हणजे लोकांच्या मनाप्रमाणे आपणही काहीतरी केलं पाहिजे या भावनेनी विकासभाऊंनी जो पुढाकार घेतला आणि विशेष करून त्यांचे मुलं आणि त्यांच्या सोबत्यांनी जो पुढाकार घेतला आणि इथे आयोजन केलं तर त्याचं अभिनंदनच केलं पाहिजे. माझा एक प्रश्न आणखी आहे की या स्पर्धेमध्ये नागपूरच्या युवकांनी जी चुणूक दाखवली प्रतिभेची त्याच्याविषयी काय सांगा? नाही, काय आहे की त्याच्यासाठीच तर आपण या खेळाचं आयोजन केलं की आपल्या नागपुरामध्ये सुद्धा चांगले खेळाडू आहे तर त्यांना संधी केव्हा मिळेल. जशी आय पी एलच्या माध्यमातून म्हणजे आतापर्यंत आपल्यापाशी जे खेळाडू होते तेच खेळाडू आपण राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतले. पण आय पी एलच्या माध्यमातून आता तुम्ही पहा की हैदराबादच्या टीममध्ये तो मलिक नावाचा जो बॉलर आहे तर त्याची स्पीड 157 किलोमीटर आहे आणि आता तो नक्कीच यानंतर तो आपल्या इंडियन टीममध्ये जाणार आहे. जसे आता पडिक्कल असेल, त्यानंतर आपला तो गायकवाड असेल, असे जे बॅट्समन आपल्याला मिळालेले आहेत तर ते सुद्धा आता त्या नॅशनल टीममध्ये म्हणजे BCCI हे मनामध्ये गाठलं आहे की या लोकांना आता आपल्या टीममध्ये घेतलं पाहिजे. तर मलिकची एवढी मोठी स्पीड आहे, इतकी फास्ट बॉलर आहे तो, हे केव्हा कळलं असतं? तो आपल्या तो काश्मीरचा परंतु आता नॅशनल लेवलवर तो मलिक आलेला आहे अशी एक परंपरा निर्माण झालेली आहे आणि तशीच परंपरा आपल्या नागपुरामध्ये निर्माण झालेली आहे आणि त्याचं श्रेय विकास भाऊ त्यांच्या सर्व टीमला जाते. सगळ्यात आधी तर मी हे पूर्ण आयोजन आमच्याबरोबर महाराष्ट्र फाउंडेशनच्या ग्रुपने केलं. आम्ही मागच्या 15 दिवसांपासून हे ग्राउंड खेळण्यालायकीचं नव्हतं, तिकडे ग्राउंडवर पहिले मेहनत केली, दुपारभर इतकं ऊन, आपल्या नागपूरचं आपल्याला तापमान माहिती आहे, त्याच्यात हे आपले पोरं, आपले पूर्ण मित्रमंडळ सगळेजणांनी एवढी मेहनत केली, सगळे ग्राउंडवर होते, दिवसभर इकडे होते, ते मी त्यांचा खूप खूप आभार मानतो की त्यांनी त्यांना एवढंच ही टुर्नामेंट आज सक्सेसफुल झाली ती त्यांच्या सगळ्यांच्या मदतीशिवाय झाली नसती. आम्हाला पुष्कळ अडचणी आल्या, सगळ्यात मोठी अडचण तर आमच्या टीम किती टीम घ्यायची ती सगळ्यात मोठी अडचण होती. 8 दिवसात टुर्नामेंट संपवायची आहे म्हणून आम्हाला 32 टीम खेळवावं लागल्या, नाहीतर आम्ही 64 टीमची टुर्नामेंट करणार होतो. म्हणून पुष्कळ टीम निराश झाल्या, पुष्कळ प्लेयर निराश झाले, कुणाला नाही म्हणायला आम्हालाही बरं वाटलं नाही. पण आता आम्ही पण काही बंधनात होतं म्हणून आम्ही काही करू शकलो नाही. पण मी तुम्हाला हे आशून देतो की पुढच्या वर्षी आम्ही 64 टीमची टुर्नामेंट करू आणि जे नाराज झाले, जे निराश झाले त्यांना आम्ही पहिले प्राधान्य देऊ पुढच्या वर्षी, हे मी तुम्हाला सांगतो. अनुभव कसा होता पहिला? अनुभव खूपच छान, पहिल्यांदा होतं, खूप काही गोष्टी शिकायला मिळाल्या, काही चुका झाल्या तर पुढच्या नक्की दुरुस्त करू, पण असं एकंदरीत खूप चांगला अनुभव होता.
असेच अजून पुढच्या चांगल्याने करू, पुढच्या अजून अनुभव येईल, जेवढ्या जेवढ्या तुम्ही प्रयत्न कराल, जेवढा शिकाल तर तुम्हाला अजून चांगला अनुभव येईल. वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट. वीकेबी न्यूज के दोपहर की खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज. नमस्कार.